गाय हमारी माता है, बस ढोंग करना आता है। गायों को धर्म के साथ जोड़कर किसानों का 5 लाख करोड़ का पशु व्यापार खत्म किया जा चुका है, पर अब बात गायों के भूखे मरने पर आ गई है। लावारिस गाय कोई आसमान से नहीं आती, इनके मालिक गायों का दूध बंद हो जाने पर उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि गायों पर बिना कमाई के खर्च करना संभव नहीं है। पशु व्यापार ही इसका एकमात्र वैज्ञानिक समाधान था, पर बंदर वाले अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ का विज्ञान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, गाय और नफरत का अटूट रिश्ता बन चुका है। उत्तर प्रदेश में गौशालाओं के हालात बहुत दयनीय हैं। उदाहरण, बांदा जिले के 43 गौशालाओं में 15,000 गाय हैं, पर अप्रैल 2020 से फंड में 1 रुपया नहीं आया है। गौशालाओं ने कहा है कि 25 दिसंबर के बाद वो सारी गायों को छोड़ देंगे। गायों को खेत से भगाने पर भी उत्तर प्रदेश में आर्म्स एक्ट, गोवंश निवारण अधिनियम जैसे कानून लगा दिए जाते हैं। लोग बचने के लिए लाखों की घूस दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लावारिस गायें चलती फिरती आफत बन चुकी है। कब कौन गाय की चपेट में आकर जान माल गवा बैठे, ये बताना मुश्किल है। ढोंगी की उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर 2020 को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 25 दिसंबर के बाद गायों को देखने वाला कोई नहीं होगा। गाय खेतों और रास्तों पर होंगी और निर्दोष मासूम जनता की गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग भी हो सकती है। रास्तों पर गाय दिखे तो रास्ता बदल लीजिए, वरना रास्ता सीधा शमशान या कब्रिस्तान को जाएगा।